हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास। आप सबका स्वागत है फाइव पैसा चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देश के एक बड़े सरकारी बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के पास्ट परफॉर्मेंसेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिटेल में समझेंगे। 2023 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैंकिंग क्षेत्र के प्रॉफिट 38.4% बढ़े, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक के नेट प्रॉफिट करीब 3 गुना तक बढ़े थे। एसेट क्वालिटी की बात करें तो 2023 के अंत तक ग्रॉस एनपीएस 3.9% और नेट एनपीए 0.78% थे, जो कि मल्टी डेकेड लोस के लेवल पर थे। इस सेक्टर के कुछ पुश फैक्टर्स हैं इंक्रीजिंग डिजिटल अडॉप्शन, क्रेडिट ग्रोथ और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। 2024 में स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स, काबू में आता इन्फ्लेशन और देश की बढ़ती हुई जीडीपी विकास दर बैंकिंग सेक्टर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। पीएनबी के ऑपरेशंस 1895 में शुरू हुए थे। इस बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 73.15% की शेयर होल्डिंग है। दिसंबर 2023 के अंत में इस बैंक की 10,108 डोमेस्टिक ब्रांचेस, 2 इंटरनेशनल ब्रांचेस, 12,455 एटीएम और 29,768 करेस्पोंडेंट्स थे। ये बैंक पर्सनल और कॉर्पोरेट सेगमेंट में काम करता है और साथ ही इंटरनेशनल और कैपिटल सर्विसेज भी देता है। अब बात करते हैं बैंक के की मैनेजमेंट लोगों के बारे में। सबसे पहले है अतुल कुमार गोयल, पीएनबी के एमडी और सीईओ। इससे पहले ये यूसीओ बैंक में भी एमडी और सीईओ रह चुके हैं, साथ ही ये इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी काम कर चुके हैं। केजी अनंत कृष्णन पीएनबी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इनकी एक्सपर्टीज जनरल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के एरियाज में है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक के की फाइनेंशियल्स और रेशियोज के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में पीएनबी का नेट प्रॉफिट 250% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा था। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम, टोटल एसेट्स और एडवांसेस में भी अच्छी ग्रोथ रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में जीएनपीए और एनएनपीए रेशियो में गिरावट हुई थी, जो कि काफी अच्छा है। पीसीआर में 911 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हुई थी, यानी कि बैंक एनपीएस के लिए ज्यादा प्रोविजन रख रहा है, विच इज अ गुड साइन। अब बात करते हैं पीएनबी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। राइज इन रैम, यानी कि रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई शेयर। कुल डोमेस्टिक एडवांसेस में रैम का शेयर फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 3 में 53.94% से बढ़कर फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में 55.07% हो गया था। फॉल इन स्लिपेजेस, फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 3 में स्लिपेजेस अमाउंट 4072 करोड़ रुपए था और ये गिरकर फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में 1793 करोड़ रुपए हो गया था। राइज इन सी एस ए डिपॉजिट, फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में बैंक के सी एस ए डिपॉजिट 5,47,516 करोड़ रुपए के थे, जिसमें 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर राइज हुआ था। रिवाइज्ड गाइडेंस, बैंक ने फाइनेंशियल 24 की प्रॉफिट गाइडेंस 7,000 से लेकर 7,500 करोड़ रुपए तक कर दी है, जो कि सितंबर 2023 तक 6,000 करोड़ रुपए थी। लो नेट एनपीए, बैंक ने नेट एनपीए में फाइनेंशियल 24 के लिए बिलो 1% की गाइडेंस दी है और फाइनेंशियल 24 के 9 मंथ में नेट एनपीए रेशियो 0.96% की रही है। हाई एनआईएम परसेंटेज, बैंक ने फाइनेंशियल 24 के लिए करीब 3% की गाइडेंस दी है और ये फाइनेंशियल 24 के 9 मंथ में 3.11% की रही है। टर्न अराउंड सिंस 2017, पीएनबी के 2017 स्कैम के बाद इनका नेट एनपीए फाइनेंशियल 18 के क्वार्टर 4 में 48,684 करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे और तब से ये कम हो रहे हैं और फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में ये 8,816 करोड़ रुपए हो गए थे। डिजिटाइजेशन गोइंग स्ट्रॉन्ग, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल 24 के 9 मंथ में 58% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी थी। आगे भी बैंक इसके लिए स्टेप्स ले रही है, जैसे कि कस्टमर आउटरीच ऑन व्हाट्सएप, एआई चैट बॉक्स, लोन अकाउंट्स में आईवीआर की मदद से पेमेंट की ऑफरिंग और कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए अलग से मोबाइल ऐप। वीकनेसेस की बात करें तो फॉल इन सीआरएआर, यानी कि कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 3 में सीआरएआर 15.15% था, जो कि फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में गिरकर 14.63% हो गया था। इसके अलावा फॉल इन ऑपरेटिंग मार्जिन, बैंक का ऑपरेटिंग मार्जिन फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 3 में 22.22% था, जो फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में गिरकर 21.13% हो गया था। इसके अलावा राइज इन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, बैंक का ग्लोबल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में 81 बीपीएस से बढ़ा था और साथ ही डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी 79 बीपीएस से बढ़ा था। आखिरी में जानते हैं कि स्टॉक ने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। शेयर प्राइस रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 161.95%, तीन साल में 213.5% और पांच साल में 66.97% के रिटर्न्स दिए।
लिए हैं। इसी के साथ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में 95.60%, तीन साल में 220.79% और पांच साल में 145.17% के रिटर्न्स दिए हैं। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और वही पिछले तीन और पांच सालों में इसने कम रिटर्न्स दिए हैं। इसीलिए अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही इस स्टॉक में निवेश करें। ऐसे ही डिटेल स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आपके फीडबैक भी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।